गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास, क्लास फिफ्थ, पोएम बाइकिंग ऑन द पेज नंबर 33। टुडे वी विल रीड द पोएम बाइकिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाइकिंग? बाइकिंग मीन्स राइडिंग अ बाइसिकल। फिंगर्स ग्रीप टॉस कर हेड डाउन व्हील्स वर हेयर स्ट्रीम्स फील्स रेस ईयर्स स्टिंग विंड्स चीज ब्रीथ डीप ट्रबल्स गॉन जस्ट फील विंड सॉन्ग। इट इज़ रिटन बाय द जुडिथ निकोल्स। द प्रेजेंट पोएम दैट इज़ रिटन बाय जुडिथ निकोल्स, शी इज़ अ लेडी। यस, जुडिथ निकोल्स इज़ अ वेल नोन इंग्लिश चिल्ड्रंस पोएट। She was a writer for a magazine and a teacher before she started writing full time. जुडिथ निकोल्स जो होती हैं वो क्या है, बच्चों की पोएम लिखती हैं, बच्चों के लिए पोएम लिखती हैं, वो मैगजीन के लिए भी लिखती थी जब वो टीचर थी उससे पहले। She wrote her first time when she was 7, जब वो 7 years की थी सबसे पहले जब उन्होंने पोएम लिखी। And she was published more than 50 books for children of all ages. She appears on radio and television beside visiting schools to read and perform poetry. She says, I love to try to bring a knot of mystery to everyday happenings. Her poems use a free mix of styles and appeal to the children because they are very entertaining. जुडिथ की जो पोएम्स हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, अपील करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि वो बहुत ही एंटरटेनिंग होती हैं और एडवाइजेबल होती हैं। सो द प्रेजेंट पोएम इज़ बाइकिंग। बाइकिंग मीन्स राइडिंग अ बाइसिकल, एक साइकिल चलाना। तो फिंगर्स ग्रीप टॉस कर हेड डाउन व्हील्स वर इन द फर्स्ट स्टैंजा एंड द होल द पोएम The whole the poem is about a girl's experience and joy of riding a bicycle. आपकी पूरी जो poem है biking, ये girl का experience है कि वो किस तरीके से cycle चलाती है और वो इसे कैसे joy करती है, कैसे enjoy करती है। The poem describes the girl's posture on the cycle. Cycle पे जिस तरीके से वो बैठती है, किस तरीके से cycle ride करती है, उसके पूरे posture को इस poem में बताया गया है। द फिंगर्स ग्रीप, फिंगर्स ग्रीप यानी किस तरीके से वो हैंडल को अपनी फिंगर से पकड़ती है। टॉस कर, टॉस के होते हैं जो हमारा अंगूठा होता है पैर का, उसे हम टॉस बोलते हैं। कर यानी घुमाती है, यानी कि वो पैडल के ऊपर अपने टॉस को किस तरीके से कर्ल करती है। हेड डाउन व्हील्स वर, वर मीन्स मतलब स्पिन, स्पिन यानी घुमाना। तो फिंगर्स ग्रीप टॉस कर हेड डाउन व्हील्स वर। द टोटल पोएम डिस्क्राइब द गर्ल्स पोस्चर ऑफ द साइकिल। द फिंगर्स ग्रीप द हैंडल एंड द टॉस कर अराउंड द पैडल। द बॉडी लीन्स टूवर्ड फॉरवर्ड एंड हेड इज स्लाइटली बेंड। जब वो साइकिल चला रही है तो जो उसका हेड है वो हल्का सा बेंड है, हल्का सा झुका हुआ है। हर हेयर स्ट्रीम्स फील्स रेस ईयर्स स्टिंग विंड्स चेज। ईयर्स स्टिंग मीन्स फील द विंड शार्पली अगेंस्ट द ईयर। जब हवा बहुत तेज चलती है तो हमारे कानों में हवा की आवाज़ आने लगती है, तो उससे उसके जो कान हैं, जो उसकी ईयर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं। द हेयर स्ट्रीम्स, और जो उसके बाल हैं वो कैसे उड़ रहे हैं, स्ट्रीम की तरह। फील द रेस और विंड द चेज, तो ऐसा लग रहा है उसको कि जो विंड है उसको क्या कर रही है, चेस कर रही है। चेस मीन्स पीछा कर रही है। तो व्हाट द पॉइंट सेज दैट कि हर हेयर फ्लाइज एंड हर ईयर्स टिंगल बिकॉज द विंड रशेस पास्ट। क्योंकि जो विंड है वो उसका क्या कर रही है, पीछा कर रही है, रशेस कर रही है। सो द फिंगर ग्रीप टॉस कर हेड डाउन व्हील्स पर हेयर स्ट्रीम्स फील रेस ईयर स्टिंग विंड चेस। The poem that is written by the Judith Call is all about a girl's experience and joy of riding a bicycle, and she describes the girl's posture of the cycle. In the poem, the poet says that the girl's fingers grip the handle,
her toes curl around the paddles, the body leans forward and the head is slightly bent. Her hair flies and her ears tingle because the wind rushes past. Breathe deep, trouble's gone, just feel wind song. Wind song means the sound of the wind rushing past the ears. Wind song से means क्या है, जब हम तेज़ी से किसी चीज़ पर जाते हैं तो बहुत तेज़ हवा चलती है. आपने देखा होगा, आप लोग भी साइकिल चलाते हैं या बाइक्स पर जाते हैं अपने पापा या ब्रदर के साथ, तो हवा जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है और जो हमारे कान है उसमें हमें बहुत ज़्यादा हवा लगती है और हमारे जो बाल हैं वो पीछे की तरफ उड़ने लगते हैं. तो ऐसे ही गर्ल के साथ हुआ है. जब गर्ल जो बाइसिकल चला रही है तो कैसा लग रहा है, लुक एट द पिक्चर. पिक्चर में आप देख सकते हैं कि उसके बाल जो है पीछे की तरफ उड़ रहे हैं, उसके कानों में उसकी हवा निकल रही है, हवा पास हो रही है. तो वो क्या है, विंड सॉन्ग. ब्रीथ डीप, ट्रबल्स गॉन. एंड द पोएट सेज इट, होल द लैंडस्केप सीम्स टू द रेस विद हर एंड द विंड सीम्स टू चेज हर. द गर्ल फील्स वेरी रिलैक्स्ड. ब्रीथ डीप मीन्स द गर्ल फील्स वेरी रिलैक्स्ड व्हेन शी राइड्स. जब वो साइकिल चलाती है तो अपने आप को कैसा फील कर रही है, बहुत ही रिलैक्स फील कर रही है. वो गहरी सांस ले रही है एंड लिसनिंग टू द विंड, और क्या कर रही है, विंड को सुन रही है. शी ब्रीथ डीपली एंड फॉरगेट्स ऑल द वरीज. वो गहरी सांस लेती है और अपनी सारी वरीज, ट्रबल्स मीन्स अपनी सारी वरीज को फॉरगेट कर देती है. जस्ट फील रिलैक्स एंड जस्ट फील द विंड सॉन्ग. सो द वॉट इज द पोएम इज दैट द होल पोएम इज अबाउट अ गर्ल हु इज़ राइडिंग अ बाइसिकल. वो बाइसिकल पर बैठी हुई है, बाइसिकल चला रही है और फुल स्पीड में वो बाइसिकल चला रही है. उसके जो फिंगर्स हैं, उसने अपनी फिंगर से ग्रीप कर रखा है हैंडल. यू लुक एट द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से हेयर उसने होल्ड किया हुआ है. तो फिंगर्स ग्रीप, जो फिंगर है उसकी ग्रीप कहाँ है, उसके हैंडल पर है. उसके टॉल्स यानी जो फीट्स, आपके पैरों के जो अंगूठे होते हैं वो कर्ल हुए हुए हैं. किस पर, पैडल पर. पैडल पर पैर रखे, हम जब साइकिल चलाते हैं तो हमारे जो टॉल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कर्ल हो जाते हैं. एंड हेड डाउन, हल्का सा हमारा सर जो है झुका हुआ होता है. और व्हील्स, व्हील्स क्या होते हैं, पहिए जो हैं क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं. स्पिन कर रहे हैं मीन्स घूम रहे हैं. हेयर स्ट्रीम्स फील्स है, और जो उसके हेयर हैं, यू कैन सी हेयर, उसके जो हेयर हैं वो किस तरीके से हवा में उड़ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि वो रेस लगा रहे हैं. किसके साथ, गर्ल के साथ. द फील्ड रेस, ईयर स्टिंग विंड चेस. और ऐसा लग रहा है कि हवा जो है वो उसका पीछा कर रही है. किसका पीछा कर रही है, गर्ल का. यानी कि गर्ल आगे आगे है और हवा उसके पीछे पीछे है. द ब्रीथ डीप, ट्रबल्स गॉन, जस्ट फील. एंड शी ब्रीथ डीपली एंड फॉरगेट्स ऑल हर वरीज. और जब वो साइकिल चलाती है, जब राइडिंग करती है, तो वो गहरी सांस लेती है. तो शी फील्स रिलैक्स्ड एंड फॉरगेट्स ऑल द ट्रबल्स. और उसकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी वरीज हैं, वो सब क्या करती हैं, वो सब चली जाती हैं, गॉन हो जाती हैं. सो द लैंडस्केप सीम्स टू रेस विद हर. ऐसा लगता है कि जो पूरा एटमोसफेयर है वो क्या कर रहा है, रेस कर रहा है उसके साथ. एंड द विंड सीम्स टू चेज हर. और जो विंड है वो उसका पीछा कर रही है. द गर्ल फील्स वेरी रिलैक्स्ड. और लड़की जो है वो क्या कर रही है, बहुत ही अपने आप को रिलैक्स फील कर रही है, क्योंकि वो डीप ब्रीथ ले रही है. एंड शी राइड्स लिसनिंग टू द विंड. ओके, सो डेट इज़ द पोएम डेट इज़ रिटन बाय द जुडिथ निकोल्स. यू हैव टू रिवाइज इट एंड रीड द पोएम. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस मी. ओके,